दोस्तों, सितंबर का महीना आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, लेकिन गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन क्या करें, घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो गर्मी में भी करने पड़ते हैं। और मेरे को अब बाइक सर्विस करानी है, तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। और पूरे दिन का काम है मेरी बाइक में, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा काम मांग रही है। जिसको पता नहीं है मेरे पास कौन सी बाइक है, तो मैं आपको बता दूँ, मेरे पास अपाचे TVS की बाइक है, 180 CC। मेरे को 5 साल हो चुके हैं इस बाइक को चलाते हुए। इस बाइक ने आज तक कोई ख़र्चा नहीं मांगा 5 साल से, लेकिन 5 साल बाद इसकी बैटरी भी ख़राब हो चुकी है, इसके दोनों टायर घिस चुके हैं, और शोकरों का भी काम है, और चेन सेट भी चेंज होना है। तो काफ़ी सारे काम है, जो मोटा मोटा खर्चा मेरे को ऊपर से दिखाई दे रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो बाकी सर्विस सेंटर चलते हैं, वहीं से पता चलेगा क्या क्या काम इसमें होना बाकी है। मैकेनिक ही चेक करके बताएगा इसके अंदर कि क्या क्या और प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे हिसाब से तो 7-8 हज़ार का इसमें खर्चा आएगा। अब मेरे को संडे राइड पर भी जाना है, तो अपनी बाइक का पूरा काम करवाना पड़ेगा, इसको ओके रिपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं। और अब मोटो व्लॉगिंग भी शुरू होने वाली है हमारे चैनल पे। आगे चल के आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगी। जिस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब सीधा निकलता हूँ मैं सर्विस सेंटर, वही मिलते हैं अब। सो गाइस, मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ मकैनिक के पास। सबसे पहले इसकी बैटरी बदली जा रही है, उसके बाद ये इंडिकेटर चेंज करवाऊँगा। देखो, ये इंडिकेटर टूटा पड़ा है, काफ़ी टाइम से लटका हुआ है, इसको भी चेंज करा देंगे आज हम। और मेरी बाइक की बैटरी 5 साल चल चुकी है, 5 साल बाद ये ख़राब हुई है, तो अब चेंज करा देते हैं, बिल्कुल डेड हो चुकी है। दोस्तों, ये MRON की बैटरी मैं अपनी बाइक में डलवा रहा हूँ, इसकी 3 साल की वारंटी है, और अपाचे के अंदर 9 एम्पेयर की बैटरी लगती है, वो सबसे बढ़िया बैटरी यही रहेगी। और ये इंडिकेटर भी मैंने ले लिया, और सामान भी लेते हैं, चैन सेट वगैरह देखते हैं क्या क्या सामान आएगा, सब कुछ आपको दिखा दूँ कैसे चेंज होगा। सबसे पहले भैया इसके अंदर चैन सेट को निकाल रहे हैं, चैन सेट को निकाल के नया डालेंगे, और उसके बाद सारा काम शुरू होगा। बैटरी तो चेंज हो चुकी है अपनी, और बाइक बहुत ज़्यादा गंदी लग रही होगी आपको देखने में, क्योंकि मेरे साथ वाले घर है जो, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 1 साल हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था मैं, धूल मिट्टी, तो बाइक को भी ढंग से साफ़ नहीं कर पा रहा था। अब इसको अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे सारा काम इसका, ये बिल्कुल ओके रिपोर्ट करा देंगे, और फिर चलेंगे राइड पे। तो मेरे को इस बारी संडे राइड पे भी जाना है, तो जल्दी से सारा काम हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक बारी इसके टायर की कंडीशन देख लो, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसको चेंज करा लेंगे। इसमें डिस्क पैड भी डलने हैं, और ब्रेक ऑयल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये देखो बिल्कुल पूरा प्रेस हो रहा है, बिल्कुल फ्री हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेक ऑयल भी नहीं है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ डिब्बी के अंदर का लेवल जो दिखाई देता है, बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है डिब्बी। दोस्तों, अब शॉकर को खोला जा रहा है, दोनों शॉकर लीक हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ वाले घर में काम चल रहा था, उसकी धूल मिट्टी उड़ के शॉकरों पे लगती रहती थी, इसकी वजह से दोनों शॉकर की सीलें कट गई और दोनों शॉकर लीक हो गए। अब इनको भी रिफिल करा जाएगा, और इतनी धूल मिट्टी की वजह से ही चैन सेट भी ख़राब हुए। अब शॉकर के बाद बारी है इसके टायर चेंज होने की, C8 का टायर मैं डलवा रहा हूँ। इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी होती है, और इसकी 3 साल की वारंटी मिल रही है, तो इसी को डलवा लेते हैं। पहले तो TVS के टायर लगे हुए थे, ये टायर जो देख रहे हो आप सामने बिल्कुल गंजा हो गया है, 45,000 किलोमीटर चल चुका है ये टायर। अब C8 का डलवाते हैं, इसकी भी 3 साल की वारंटी है, तो यही डलवा लेते हैं। पहले मैं MRF का डलवा रहा था, उसकी भी वारंटी बिल्कुल भी नहीं आ रही, अब बिल्कुल जीरो वारंटी है, तो मैंने कहा C8 का ही डलवा लेते हैं, ये टायर भी बढ़िया होता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस C8 और MRF के दोनों के साथ अच्छा रहा है। अब सारा काम हो जाने के बाद अब बारी है बाइक की सर्विस की, मतलब कि इसकी वॉशिंग की। अब बाइक को अच्छे से वॉश करा जा रहा है, और चमका दिया जाएगा बढ़िया तरीके से, फिर पॉलिशिंग होगी, तो सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है।